गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नए अपडेट के साथ आया हूँ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसमें 8th पास, 10th पास, बी बी टेक, एमएससी वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका इश्तेहार छापा है, आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में भर्ती 30/4/2020 को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी हिंदुस्तान टाइम्स में। और ये जो भर्ती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द रेगुलर बेसिस। आइए हम एक एक करके इन सारी पोस्टों के बारे में जानते हैं। पहली जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट बी की निकाली गई है। इसमें टोटल पोस्ट 13 है, अप टू 35 ईयर इसमें एज लिमिट दे दी गई है और पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है, आप देख लें। और इसमें पे स्केल अच्छा दिया जा रहा है, पे स्केल लगभग 56,000 से लेकर 1,77,000 तक आपको मंथली इनकम इसमें आपको दी जाएगी। बात करते हैं अगली पोस्ट की जो निकली है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट से। और इसमें जो पे स्केल आपको 35,400 से 1,12,000 तक दिया जाएगा। टोटल पोस्ट 2 है, एज लिमिट 30 ईयर दे दी गई है और सारी पोस्टों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। अगली पोस्ट जो है सीनियर टेक्नीशियन की है, इसमें पे स्केल 1,12,400 तक है। टोटल पोस्ट 6 है, अप टू 30 ईयर इसमें एज लिमिट दे दी गई है, पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है। वहीं हम अगली पोस्ट की बात करें तो जो हमारी अगली पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 में जो आपको पे कमीशन दिया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 में, वो 25,500 से लेकर 81,100 तक दिया जाएगा, जिसमें टोटल पोस्ट 2 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर के बीच होनी चाहिए। वहीं अगली पोस्ट की बात करें तो ये जो निकली है वो जूनियर टेक्नीशियन से निकली है, जूनियर टेक्नीशियन से निकली है। और इसका पे कमीशन जो दिया गया है 25,500 से 81,100 तक दिया गया है। एज लिमिट 18 से 25 ईयर दी गई है, टोटल पोस्ट 2 है। वहीं हम अगली पोस्ट की बात करें तो ये जो निकली है वो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट से निकली है। इसमें लेवल 2 का पे कमीशन पे मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट से जो पोस्ट निकली है उसमें आपकी मंथली जो इनकम रहेगी 19,900 से लेकर 63,200, इसमें टोटल पोस्ट 7 हैं। एज लिमिट 18 से 25 ईयर दे दी गई है, सारी पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है इस। और हम अगली पोस्ट की बात करें तो ये जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, इसमें भी आपको 19,900 से 63,200 तक आपको मंथली इनकम बनेगी। टोटल पोस्ट 13 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर यहाँ आपकी एज लिमिट दे दी गई है, सारी पोस्टों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। वहीं अगली पोस्ट की बात करें तो अटेंडेंट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्किल की पोस्ट है, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको पे स्केल दिया गया है। टोटल पोस्ट 3 है, 18 से 25 ईयर यहाँ एज लिमिट दे दी गई है, पोस्टों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। अब कुछ कुछ पोस्ट जो इसमें है रिजर्व पोस्ट है, आप इसे पढ़ लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें 7 पोस्ट आउट ऑफ 3 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, 13 पोस्ट ऑफ LDC, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। इसमें कुछ पोस्ट रिजर्व है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cpcv.nic.in, आप यहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसीजर और पूरी इंफॉर्मेशन की बात करें और एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आइए हम देखते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी 5 मई से आप अप्लाई करना चालू कर देंगे, लास्ट डेट है 25 मई। एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आपको कोई फी पे नहीं करनी है, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पहली पोस्ट की बात करें जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, इसमें जो आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो आपको एडुकेशन बैकग्राउंड मांगा गया है, वो आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगी गई है या तो सिविल, केमिकल या इन्वायरमेंटल, जिसमें टोटल पोस्ट आपकी 13 थी तो 10 पोस्ट इन लोगों के लिए रिजर्व रहेगी, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंट के लिए, और एक पोस्ट रहेगी मैकेनिकल वालों के लिए और एक पोस्ट रहेगी माइनिंग वालों के लिए। प्रीलिम्स
प्रेफरेंस के थ्रू आप, अगर आपके पास मास्टर डिग्री एनवायरनमेंट तो अच्छा है, आप उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। वहीं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर मास्टर डिग्री नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस फॉर यूनिवर्सिटी से आपने की है तो उन लोगों के लिए भी एक पोस्ट यहाँ रिजर्व है। तो टोटल पोस्ट यहाँ 13 है, जिसमें से 10 पोस्ट सिविल केमिकल और एनवायरनमेंट के लिए और एक पोस्ट मैकेनिकल और माइनिंग के लिए है। और बच्चों ये एक पोस्ट जो है वो नेचुरल एंड एग्रीकल्चर साइंस वालों के लिए है। इसमें प्रेफरेंशियल मांगा गया है, अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो सही है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगली पोस्ट जो अपनी थी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसमें आपको पे स्केल 35,400 से 1,12,400 दिया जा रहा था। और यहाँ एडुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो डिग्री इन साइंस विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ मांग लिया गया है। और रिलेटेड सब्जेक्ट में पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड सब्जेक्ट में और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिग्री इन साइंस हो तो सही है, वरना इसमें कोई इशू नहीं है। अगली पोस्ट जो सीनियर टेक्नीशियन की है, उसमें भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट मांगा है, और 4 पोस्ट के लिए, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक 1 पोस्ट के लिए, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल 1 पोस्ट के लिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड मांग लिया है। वहीं अगली पोस्ट की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है ग्रेड 2 की, जिसमें ग्रेड पे वही 25,500 जैसे मैंने पहले बताया था, और 81,100 तक दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आपको किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। और आप यहाँ पर 8,000 की डिप्रेशन पर हावर फॉर डाटा एंट्री वर्क, यहाँ पर आपको 8,000 की डिप्रेशन पर हावर आपका डाटा एंट्री वर्क में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वहीं अगली पोस्ट की बात करें जूनियर टेक्नीशियन की, इसमें भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया 10th पास मांगा गया और ITI मांगा गया मैकेनिकल ट्रेड से, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है लेबोरेटरी मशीन और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेड। वहीं जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक आपको दिया जाएगा इनकम। एडुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क में 19,900 से 63,200 दिया जाएगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है। रिकॉग्नाइज बोर्ड से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। वहीं मल्टीटास्किंग स्किल की पोस्ट की बात करें MTS की, तो इसमें भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन 8th मांगा गया है, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आप 10th हो तो भी आपको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। और इसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग होम गार्ड में हो या सिविल डिफेंस में, तो या आप इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मतलब अगर आप का ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो हाँ आपको पहले इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। वहीं जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपको फ़ी पे नहीं करनी है, नो एप्लीकेशन फ़ी। इसमें जनरल SC ST OBC कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं पे करनी है, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10th पास, 8th पास, 12th पास और डिग्री बेसिस पे निकाली गई हैं भर्तियाँ। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, फिर इसे आप अप्लाई, फिर उसी के बाद आप इसे अप्लाई करें। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड लिखा हुआ है, ये तो बाद की प्रोसीजर है, सिलेक्शन के बाद की प्रोसीजर है। और इसको आप अच्छे से पढ़ लें, और अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट दी गई है www.cpcb.nic.in पर जाकर ही अप्लाई करें। और आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्टें हैं, सारी पोस्टें हैं वो 10th बेसिस, 8th बेसिस और डिग्री बेसिस से निकाली गई हैं। तो इसमें जो आप अप्लाई करेंगे वो उसमें आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। 5 मई से चालू हो जाएगा अप्लाई प्रोसीजर, जो कि 25 मई तक चलेगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।